नए साल का जश्न मनाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और पर्यटक अपनी मनपसंद जगहों पर नए साल का जश्न मनाने की खास तैयारियां कर चुके हैं। नर्मदा जिले में बनी विश्व की सबसे ऊंची सरदार पटेल की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर्यटकों के लिए नए साल का जश्न मनाने के लिए खास आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। पिछले काफी समय से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पर्यटकों की तादाद कुछ कम दिख रही थी, लेकिन नए साल के आगमन के शुरुआत होने के साथ ही एक बार फिर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की रौनक कुछ अलग नजर आने लगी है। इसकी वजह यह है कि यहां नए साल का जश्न मनाने के लिए पर्यटकों की तादाद बढ़ती जा रही है। टूरिस्ट यहाँ आकर काफी खुश दिख रहे हैं। मुझे बहुत प्राउड है कि हम लोग की इंडिया में ये बहुत अच्छा स्टैचू जो बनाया है, हम लोग के टूरिज्म भी अच्छा हो जाएगा इससे, और इसके यहाँ पे नेचर बहुत अच्छा दिखता है, यहाँ से गैलरी से व्यू भी बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छा है। 2019 विदा ले रहा, 2020 आ रहा, उसको सत्कारने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। स्टैचू ऑफ लिबर्टी आने की जरूरत नहीं है, हम लोग के इंडिया में इतना बड़ा स्टैचू है वो बहुत अच्छी बात है। ये बहुत अच्छी जगह है, बहुत साफ सुथरा है और मोदी जी ने बहुत अच्छा बनाया है, बहुत अच्छा कार्य किया है यहाँ पे, तो बहुत अच्छा लगा है हमें। यहाँ पर्यटकों की सुविधा के लिए बनाए गए ट्रेंड सिटी से लेकर तमाम होटल्स में बुकिंग फुल हो चुकी है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के आसपास होटल में न्यू ईयर पार्टी के टिकटों के लिए ऑनलाइन बुकिंग चल रही है। केवड़िया में स्थित एकमात्र 3-स्टार होटल में होटल संचालकों ने नए साल के जश्न के लिए खास तैयारियां की है। आने वाले 31 के लिए हमने यहाँ पे डीजे का और डिनर का, गाला डिनर का भी हमने आयोजन रखा है, कपल डिनर का भी आयोजन रखा है। यानी अहमदाबाद से, बड़ौदा से, सूरत से जो भी टूरिस्ट आएंगे उनको लिए स्पेशल 2020 के लिए हमने बहुत सारी अच्छी व्यवस्था की है। नए साल का जश्न मनाने के लिए लोग अभी से छुट्टी प्लान करने लगे हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी लोगों को काफी आकर्षित कर रहा है और पर्यटक केवड़िया पहुँचने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।